प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप रोज़गार जरूर दीजिए। रोज़गार की बहुत समस्या है, बहुत बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, और हमारे मजदूर भाई जिनकी सैलरी 9000 रुपये है और उनको काट पीट के 5000 मिलता है, वो 5000 में गुजारा कैसे कर पाएंगे। मोदी जी, आप मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं किया, गरीब आदमियों को बोला गया था कि विदेश में इतना काला धन हिंदुस्तान का जमा है, और जब वहाँ से लौट के आएगा तो 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे। जनधन का खाता खुलवाया, जनधन का खाता इसलिए खुलवाया था कि जो काला धन आएगा जनधन खाते में जाएगा और सफेद हो जाएगा, वो सारा मोदी के बीजेपी के काम आएगा। हर जनता के पैसे से मोदी विदेश में इतने दौरे लगा रहा है, इतने चक्कर लगा रहा है। विदेश की सोच है, विदेश की चिंता है उसको, हिंदुस्तान के जो जवान है जो भूखे मर रहे हैं। आज तक इतने जवान कभी नहीं मरे जितने जवान कश्मीर में मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति के कारण मारे जा रहे हैं। पहले कोई जो भी जवान मरता है वो हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा बच्चा, कुछ ना कुछ लगता है। हर हिंदुस्तानी जो जवान ही मारे जाएंगे, फिर हिंदुस्तान का लोग कब बचेंगे? एक बताइए, जो नोटबंदी हुआ उसके बारे में क्या? जो नोटबंदी हुई थी वो काले धन वालों के बारे में मोदी को मालूम था कि काला धन किसके पास है, सब कुछ मोदी को पता था। फिर गरीब बंदे को क्यों लाइन में लगाया? कांग्रेस का कौन सा ऐसा बंदा था, बीजेपी का कौन सा ऐसा बंदा था, आपका कौन सा ऐसा बंदा था जो लाइन में लगा और मारा गया? वो हर गरीब आदमी मारा गया, हर गरीब महिला मारी गई। मेरे पैसे मैंने ही कमाए, मैं ही लाइन में लगी हुई हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी ने गरीब आदमियों के कहते उज्ज्वला योजना दी है, उजाला जो गैस दी है, क्या मोदी ने फ्री दी है? क्या पहले गैस नहीं थी? मोदी कहता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारा जो भी कुछ किया मैंने क्या? आज से जब 4 साल से पहले क्या सड़क पे गाड़ियां नहीं चलती थी? गाड़ियां क्या उड़ के जाती थी? क्या सड़कें नहीं बनी हुई थी? 4 लाइन पहले थी, 5वीं लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन उसने बढ़ा दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी गरीब आदमी के लिए क्या क्या जो गरीब आदमी के लिए करे? केजरीवाल ने गरीब आदमियों के लिए इतना अच्छा किया है। मेरे अपन किसी की बात नहीं बताती, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। मेरे घर के अंदर 2 मंजिल का मकान है जिसमें 8000, 10000, 12000, 15000 बिल आता था, लेकिन जब से केजरीवाल आया 550-600 से ज्यादा कभी आज तक ना आया, ना ही आएगा। मैं इतनी सुकून की लाइट जलाती हूँ, लाइट जलाते जलाते मैं इतनी डरती थी, उठ उठ के मैं लाइट बंद करती थी, कभी बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। लेकिन अब लाइट बंद करने की मुझे कोई चिंता नहीं, 500-600 से ज्यादा कभी बिल आता ही नहीं। पहले देश की जनता से वादा करा था कि मैं देश के नौजवानों को कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट यूथ को नौकरी दूंगा, ऐसा उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा। और जब 15 लाख के हर एक खाते में मैं इसको श्योर करूंगा आएगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित शाह ने उसको एक जुमला बता दिया बेवकूफ बनाने के लिए देश की जनता को। और ये सारी पॉलिसी जो कांग्रेस की विरोध कर रहे थे, माननीय मनमोहन सिंह की पॉलिसी को ही एडॉप्ट कर करके, मनमोहन सिंह जो GST या क्या नाम है मनरेगा या आधार कार्ड का नॉर्मल बेस पे था, इन्होंने उससे आगे बढ़कर 28% GST कर दिया और मनरेगा भी बढ़ा दिया। काफी कीमतें बढ़ाते बढ़ाते देश के गड्ढे में रहे मोदी जी। अमित शाह जेटली ने देश का सर्वनाश कर दिया। और नोटबंदी में सारे गरीब दलित पिछड़े अकलियत मुस्लिम जो भी है बेचारे मर गए, बहुतों में रोजगार चला गया, बहुतों ने सुसाइड कर लिया। हॉस्पिटलाइज जो बच्चे थे उनका ट्रीटमेंट में ना तो वो नए नोट दे पाए, पुराने एक्सेप्ट नहीं थे, बच्चे एक्सपायर हो गए, कईयों की शादी टूट गई, इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। एक लेडी में वहाँ पर उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, SHO खड़ी थी लेडीज, इसी नोटबंदी कारण कई बार पैसे नहीं मिले, एक उसने अपने कपड़े उतार दिए विरोध प्रदर्शन के। RBI रिजर्व बैंक में लास्ट में नोटबंदी के बाद भी एक मंगोलपुरी की लेडी थी, 5000 रुपए जमा करने जब वो मजबूर हो गई नहीं जमा करे, उसने भी वहाँ कपड़े उतारे। तो सबकी जिम्मेदारी मोदी जी की। 20 साल बाद जा चुका है हिंदुस्तान, आगे नहीं है, पीछे चला गया। कहाँ रोजगारी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, बच्चे सारे बेरोजगारी घूम रहे, कहाँ किसको रोजगार मिल रहा है? सरकारी नौकरियां उनमें इतनी सारी वो रख दिया कि बच्चे कंप्लीट कर ही नहीं पाते, फिर रह जाते हैं, फिर वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। मिलता तो अमित शाह जैसे लड़कों को मिलता है, प्राइवेट में भी इतनी सारी वो रख दी है कि वो वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते, फिर क्या करेगा? अमित शाह जैसे लड़कों को मिलती है जो 50,000 से 50 करोड़ का फायदा उठा लेते हैं। ज्यादा हो गई है कि कहीं रोजगार है ही नहीं, कहाँ है रोजगार बताइए? मोदी जी ने देश का ही नहीं, आप ये बताइए। देखते हैं नोटबंदी में सर कुछ भी नहीं मिला, गरीबी मरा, पैसे वालों को कोई अंतर नहीं पड़ा, के थले चट्टे बट्टे हैं, कोई ना नेता ना बेता, सब एक तरह के हैं, कांग्रेस हो BJP हो, गरीब के लिए कोई नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं। मोदी सरकार के 4 साल हो गए, तो इस पे आप क्या करेंगे, कैसा लगा 4 साल?
इधर देख के बोलिए। कुछ नहीं लगा भैया, क्या किया गरीबों के लिए, किसके लिए क्या किया, मुझे नहीं लगता कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने नोटबंदी की, जीएसटी लाए। नोटबंदी गरीब पर किस वक्त गरीब का भला हुआ बताओ? कौन सा गरीब अमीर आदमी लाइन में लगा था ये बताइए? कितने मर गए? क्या क्या मोदी जी ने किसी गरीब के लिए किया? किसान कितने मर रहे हैं? क्या क्या किसान के लिए बताओ कुछ किया? मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मैं अकेली फैमिली अपनी चलाने वाली, मेरे पास घर नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो आज तक कहीं गैस नहीं मिला। उजाला गैस दिया है मोदी जी ने, फ्री नहीं दिया, पैसा लेके दिया, गैस हमारे लिए जॉब है ना, हमारे मिलती है 1600 रुपए जमा हुआ ना, हमारे लिए जॉब है ना, हमारे लिए कुछ। अब हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपने घर में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो फिर इससे ज्यादा और क्या कर सकता है कहाँ पे? और जो प्राइवेट जैसे दुकानदार थे या अदर बिजनेस जो बंदे कर रहे थे, गरीब आदमी, उनका सबका बिजनेस ठप हो चुका है, कहाँ कोई कर रहा है? वो सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो किया, किया क्या है मोदी जी ने ये बताइए ना, कहाँ? अब लाइन भी अगर नोटबंदी हुई तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब ही लाइन में खड़े थे, हमने तो कहीं अमीर को नहीं देखा। मैं 4 दिन 6 दिन, मेरे घर में 2 दिन खाना नहीं बना पैसे के चक्कर में, क्योंकि 2000 रुपए से ज्यादा दे ही नहीं रहे थे। मेरा एटीएम कार्ड तक चोरी हो गया था, उसमें छीन के ले गए थे लोग, मैं वहां से दौड़ी अपने बैंक गई, वहां पे जाके उसका ब्लॉक करवाया। इतनी सारी सारी गरीबों के लिए है क्या ये? फिर क्या कर रही है सरकार? मेन नौजवानों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, रोजगार बिल्कुल भी नहीं दिया। कुछ फॉर्म आते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होता है। सिंपल सा है, अभी रेलवे में वैकेंसीज आई थी, फॉर्म भराए गए, उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद एक और नोटिफिकेशन आई कि अब ग्रेजुएट बेसिस पे भी है और फॉर्म भरा गया, उनके लिए अलग स्पेशली फीस गई। और सबसे पहले आप पे करेंगे, मॉडिफिकेशन अगर गलती से भी कुछ गलती होता है तो उसका पे करेंगे। सिंपल सा, अगर कोई गलती भी करता है आप एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद पैसे आप फी करो, कम से कम मॉडिफिकेशन या फालतू तो पैसे नहीं कटते, लेकिन उसके पैसे कटे। रोज फॉर्म, पिछले भर्ती पूरी नहीं हुई है और फॉर्म निकाल देते हैं, वो पूरी नहीं करते। और दूसरी बात, नोटबंदी जो हुई थी, कौन कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? सबने 30-30% पे अपने पैसे वाइट कर लिए, जो बड़े बड़े प्लांट थे, मदर डेयरी, पेट्रोल, ये सब मिले हुए थे, उन पे आराम से पुराने नोट गए। वो उनका तो सिंपल सा था, उनको बजट दिखाना था, उनके 100-100 के नोट आते थे, उन्होंने क्या काम करा, 100-100 के अपने पास रखे, 500-500 1000-1000 के सीधे ब्लैक मनी को जो है ना, उनको बता दिया कि हाँ हमारे पास इतने मात्रा में आए, और 100-100 चिल्लड़ जो चलने थे नोट, वो 100 नहीं करा। और आपका काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़मीनी हकीकत में जो है ना, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें ही बातें हुई हैं, और ज़मीनी हकीकत में सब परेशान है। आपको लगता है कि 2019 में मोदी सरकार वापस आएगी? नहीं सर, मेरे को थोड़ा बहुत ये है कि एक ही है जो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा हुआ कि हाँ ये हमारे सबसे पहले ना बेसिक उनकी जो नीड्स है ना वो पूरी करे जाए। नौजवान परेशान है, घर में जाके देखो कितने कितने कैसे कैसे काट रहे हैं। अभी मिनिमम वेजेस बता रहे हैं कि इतना होता है, अरे कंपनी वाले 6-6, 7-7 हज़ार में लोगों को काम करवाते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते, क्या काम देते हैं उनको, पैसे काट देते हैं, 12-12 घंटे काम कराते हैं। ये हमारा भारत देश है, ऐसे काम होगा? तो चलिए अभी कौन देखते हैं। नहीं, 4 साल से उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया जो हम देखे, हमारे देखने लायक कोई ऐसा काम ही नहीं है। जो भी उन्होंने किया वो सब गलत किया है, जो हमारे लायक कुछ है नहीं। उनकी बयान, उनकी बातें, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हमारे समझ से बाहर है, जो कि हमें नहीं चाहिए। आज के टाइम में इतना करप्शन है जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं था। आज के टाइम में इतनी गाड़ियां टो हो रही हैं, गरीबों को हमेशा मारा जा रहा है। गरीब कौन होता है? उनके लिए नज़रों में कुछ नहीं है। कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मैंने चाय की शॉप की है, वो समझ सकते हैं गरीब की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, गरीब किस तरह से आगे आना चाहता है। वो भी चाहता है उनके बच्चे आगे आए, उनके पेरेंट्स को वो रोटी मिले, वो सारी चीज़ें मिले जो हम हर बच्चे चाहते हैं अपने माँ बाप को दे, वो हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। हम चाहते सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं पाते। अच्छे जैसे वो कह रहे थे कि सवाल मोदी सरकार का नहीं है, सवाल तो पब्लिक के, जनता का सवाल है। सरकार तो चाहे किसी की भी, कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं दिखा, पब्लिक ने सरकार चेंज किया, मोदी सरकार को चुना,
मोदी सरकार को इसलिए चुना था कि कुछ अच्छा होगा भारत में, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जितना उम्मीद लोग किया था उससे 4 गुना नुकसान हो गया लोगों को। तो 2019 में आने वाला 2019 में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कौन बोल? ये हुआ था, कौन सा हुआ था? कटरा में हुआ। तो सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है सर, ये बताइए ना। मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है जब से वो हुआ है, उसका जो कांड हुआ था, कौन सा वाला हुआ था, ये बड़ोदरा है, तब से तो ये लाइन लग गई है जैसे कुछ है ही नहीं। कानून है कहाँ? आदमी ऐसे करके चल रहे थे। कल की आपको मैं बात बताऊँ, अपने यही की सोसाइटी की, मेरे यही पार्लर खोल रखा है, आराम से वो धड़क दे से काम कर रही है। कल मेरी बिटिया गई उसके साथ, उसने काफी बदतमीजी की, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर वाले आए और थोड़ा सा बोल बाल के चले गए, मैडम कार्रवाई कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ की कानून है, कहाँ की सरकार है, कहाँ का कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छे दिन है, अगर ये अच्छे दिन है तो फिर वो गलत दिन कब आएंगे वो मुझे बता दे, वो मैं वेट करूंगी उस दिन का जो वो बुरा होगा। शायद आप लोगों की नजरों में ये अच्छा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी नजरों में क्यों अच्छा रहेगा? कभी अच्छा नहीं था। मतलब आने वाले टाइम में क्या मैं सोचूं कि आने वाले टाइम में इससे अच्छा होगा? अब तो टाइम ही खत्म है, जब इंसानियत ही खत्म है तो कुछ भी नहीं है। देखते नहीं मोदी जी सबसे ज्यादा पैसा भर रहा अपना में, जनता का देखेंगे, मोदी अपना नहीं देखेगा। मोदी को तो अपना भी देखना चाहिए ना भाई, सबका तो वाइट करा दिया, अपना भी देखना चाहिए। आपने उपलब्धियां हैं ये मानने वाली बात है, अब कुछ जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं है। उपलब्धियां क्या है फिर? ये भी जैसे वो भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हैं, कुछ तो रुका है भ्रष्टाचार, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि देश में विकास हो रहा है? कुछ नहीं, ये तो कुछ जमीनी तौर पर ऐसा दिख नहीं रहा। विकास की बात करते हैं लेकिन हो नहीं रहा। ऐसे कहना चाहेंगे आप इस व्यवस्था को ठीक करिए, पुलिस थाने की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ओवरऑल मतलब मोदी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से नंबर सिर्फ ज़्यादा नहीं देंगे, 4 साल अभी उनको हुए हैं, अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाया है। नंबर तो आप सोचिए कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। सब एक ही थैले चट्टे बट्टे हैं, आज वो उसकी बुराई करता है, कल वो उसकी बुराई करेगा। तो इसमें कोई भैया किसी की हम बुरा बनने से कोई फायदा नहीं। कल को भी पुलिस भेजेंगे, उठवा लेंगे कि कौन सा उठाओ इसको, इसलिए माफ करो भैया। तो उपलब्धियां हैं ये मानने वाली बात है, अब कुछ जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं है। उपलब्धियां क्या है फिर? ये भी जैसे वो भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हैं, कुछ तो रुका है भ्रष्टाचार, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि देश में विकास हो रहा है? कुछ नहीं, ये तो कुछ जमीनी तौर पर ऐसा दिख नहीं रहा। विकास की बात करते हैं लेकिन हो नहीं रहा। देश सर बनाना है तो मोदी जी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो भी स्कीमें बनाई देश के हित में सोच के बनाई, आई सैल्यूट मोदी जी। उसमें देखता हूँ तो ये बहुत ज़रूरी था, इसमें देश की बेहतरी है। और कोई भी काम जब शुरू होता है उसमें थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलते हैं। और यही सब लोग उसी को पसंद करेंगे जो आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये तमाम लोग इसी को पसंद करेंगे। आई सैल्यूट मोदी जी। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।